यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली आई एम बैक विद अनदर पबजी वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो मैं अराउंड 2 हफ्ते बाद बना रहा हूँ। जी हाँ, 2 हफ्ते बाद जाके मुझे टाइम मिला है। मैं एक्चुअली पीएमसीयू के अंदर जो ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग क्या, मतलब हर कोई ट्रेनिंग कर रहा है पीएमसीयू के अंदर अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए, हम अपनी पीएमसीयू के लिए अंदर। तो मैं उसके लिए थोड़ा ट्रेन कर रहा था अपने आप को, थोड़ी स्ट्रैटेजी बना बना के मतलब खेलना था। लेकिन एक्चुअली गाइस, पीएमसीयू की सच्चाई ये है, सारे के सारे हैकर्स हैं। जी हाँ, कल का जो मेरा मीरामार वाला मैच था, वहाँ पे रिप, मेरे पे पूरी वीडियो पड़ी है, मैं आपको वीडियो अपने आईजी पे भेजूंगा, इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे एक रिप स्क्वाड था, आरआईपी करके, मतलब बहुत बड़ा नाम था उनका। उन्होंने पूरे के पूरे मीरामार को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, उनके जब हम मरे थे, जब हमारा स्क्वाड डाउन हुआ था पूरा, उनके 2 बंदों ने हमारा पूरा स्क्वाड निपटा दिया विद सिंगल स्प्रे में। जी हाँ, सिंगल स्प्रे आया था, उसने पूरा स्क्वाड ख़त्म हो गया हमारा वहाँ पे। प्लस में हम उसको स्पेक्टेट कर रहे थे, तो उनके जब हमने स्पेक्टेट करना चालू किया तो उनके तब के तब 21 किल हो चुके थे। फिर हमने स्पेक्टेट करते रहे करते गए, एंड में जाके उनका निकल गया चिकन डिनर। ठीक है, चिकन डिनर प्लस में उनके थे 38 किल्स। जी हाँ, 38 किल्स मेरा मार के अंदर, सारे हैक लगा के। पूरी वीडियो पड़ी मेरे पास कि हैक कैसे कर यूज़ कर रहे हैं वो, मतलब हर जगह बंदा पता है, वो लैक पता है, एम असिस्ट है, ओन है उनका, हर चीज़ कर रखी है। तो गाइस, मैं तो आज मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि पीएमसीयू में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जी हाँ, बाकी मैं जो वीडियो का मोटिव है वो मेरा आरपी मिशन के ऊपर है। जी हाँ, आरपी मिशन आ चुका है, जस्ट रिलीज़ हुआ है। तो हम आरपी मिशन में जाके देख लेते हैं कि कौन सा आरपी मिशन आया। और मेरी एक्चुअली देख सकते हो, मेरी 54 आरपी हो चुकी है। हम कर लेते हैं इसको इकट्ठा कलेक्ट, 2 आरपी कार्ड जो हमें हर हफ्ते मिलते हैं वो। अब जाते हैं हम मिशन के अंदर। जी हाँ, ये जो वीक 5 के मिशन है हमारे पास खुल चुके हैं। जिनके पास ये इजी मिशन लाइसेंस पास नहीं है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हफ्ता आएगा आपके लिए, वीक 5 जो आने वाला है, हमारा वीक 5, हमारा वीक 4 तो खुल चुका है, लेकिन हमारा वीक 5 अब खुला है। मतलब बेसिकली ये इजी मिशन लाइसेंस काम करता है कि 1 हफ्ते पहले आपके मिशन खोल लेगा जो आपके आज रिलीज़ होने हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अभी, जिनके पास इजी मिशन लाइसेंस नहीं है, अगर वो अभी जस्ट गेम में लॉगिन करेंगे तो उनका वीक 4 खुला मिलेगा आपको, कि आपका वीक 4 खुल गया, वीक 4 में यहाँ लैंड करो। लेकिन हमारा वीक 5 खुला है क्योंकि मेरे पास इजी मिशन लाइसेंस पास है, और ये मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। लेकिन वरना आप पैसों में यूसी से भी खरीद सकते हो, 150 UC, 300 UC, और प्लस में फ्री में मिलता है। तब जब आप 3 बार आप कंटिन्यूसली लेते हो तो आपको फ्री मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके मिशन पहले से खुल रखे हैं। मतलब अगर आप वीक 7 में जाओगे, जैसे ही वीक 7 दूसरे लोगों का रिलीज़ होगा, आपका वीक 8 खुल चुका होगा वहाँ पे, तो आप वीक 7 के अंदर वीक 8 के मिशन करके आप अपनी RP 100 से ऊपर पहुँचा सकते हो। जी हाँ, बहुत अच्छा चीज़ है। तो हम सबसे बकवास करें, बंद करें, हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिशन है वो है एस रेटिंग अर्न करनी है। जी हाँ, टीम के अंदर क्लासिक मोड के अंदर। जी हाँ, इस बार का जो जितने भी आरपी मिशन आप देखोगे ना, यहाँ पे सब के सब क्लासिक मोड के अंदर आपको दे रखा है। कुछ भी आप आर्केड नहीं खेल सकते, एनी मोड कहीं से भी नहीं दे रखा, या अरीना के अंदर दे रखा है, या आपको क्लासिक मोड के अंदर दे रखा है। जी हाँ, आर्केड मोड यहाँ से रिमूव कर चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आसान, बहुत ज़्यादा आसान मिशन है एक तरीके देखा जाए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। तो पबजी वाले ने थोड़ा सोचा होगा कि थोड़ा सा टफ कर देते हैं इसको, लेकिन बेसिकली अगर कंपेयर करा जाए, जब पुराने सीज़न 10 से कंपेयर करा जाए तो थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड के साथ देखा जाए ना तो उनके लिए इनफ होते हैं, कि रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस बार के, तो इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। तो पहला मिशन है, आप देख सकते हैं कि एस रेटिंग बफ करनी है टीम के अंदर क्लासिक मोड के अंदर, जो बहुत ही आसान है। एस रेटिंग मतलब आपकी थोड़ी, मतलब 300-400 डैमेज के करीब होनी चाहिए, प्लस में सर्वाइवल पॉइंट्स आपके थोड़े होने चाहिए, तब जाके आपको एस रेटिंग मिल सकती है। अब आप सबसे आसान जो होता है पूरे हफ्ते में, ये होता है लैंड। यहाँ पे लैंड करना है पैराडाइज के अंदर, 3 बार लैंड करना है पिकार्डो के अंदर, मीरामार के अंदर जो है, या फिर लैंड करो आप मिलिट्री बेस के अंदर जो कि रैंगल के अंदर है, 3 बार। सबसे आसान मिशन यही होता है, मतलब हर जगह लैंड करते जाओ बेफालतू में। प्लस में 3 एनिमी मारने ओम से, ये थोड़ा मैं डिफ़िकल्ट कह सकता हूँ, जो स्नैपिंग नहीं करते या इनको जो ओम लूटने नहीं जाते उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता है वाला मिशन। प्लस में फिर आता है पिकअप बैकपैक, लेवल 3 का बैकपैक, बहुत ही आसान मिशन है। आपको 10 मैच खेलना है, 10 मैच के अंदर आपको 10 बार लेवल 3 का बैकपैक उठाना पड़ेगा। जी हाँ, जिस मैच में आपको नहीं मिलता है बैकपैक तो वो मिशन नहीं गिना जाएगा, ये बहुत ही बेकार बात है एक तरीके से। प्लस में ये वाला अच्छा मिशन है कि ऑक्यूपाई द बेस इन अरीना फॉर 100 सेकेंड। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है, जहाँ आपको डोमिनेशन खेलना है उसके अंदर आपको अरीना होल्ड करके रखना है 100 सेकेंड तक, बहुत ही मतलब सिंगल शॉट में हो जाएगा, क्योंकि मान के चलो एक बार में 100 सेकंड से अबव तो जाता ही है जो डोमिनेशन का होता है, तो आप उसको होल्ड करके रखो और इजीली आप एक गेम जीत सकते हो, एक ही बार में हो सकते हैं आरपी आपकी। और ये सेकंड ये है, किल 2 एनिमी विद इन 200 सेकंड ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप लैंड करते हो जमीन के ऊपर, प्लेन से कूदते जैसे लैंड हुए, आपको 200 सेकंड के अंदर 2 बंदे किल करने ही पड़ेंगे। जी हाँ, जहाँ आपने 2 बंदे किल कर दिए वहाँ पर आपका मिशन पूरा होगा, लेकिन 200 सेकंड के अंदर करना है ये।
तो काफी अच्छा है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि किल थ्री एनिमी विद फ्रैग ग्रेनेड्स इन एनी मोड। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे क्लासिक नहीं डाला, क्लासिक इन्होंने पहले डाला था कि कौन से 18 मीटर दूर में आपको दो फ्रैग ग्रेनेड से बंदे मारने हैं, लेकिन इस बार तीन बंदे मारने हैं आपको एनी मोड के अंदर। तो काफी अच्छा मैच है, अच्छी चीज़ है। प्लस में कम्प्लीट 8 मैचेस इन आर्केड मोड, ये भी बहुत सही है कि मतलब 8 मैच खेलने आर्केड मोड में, बहुत जल्दी आरपी पूरी हो जाएगी इससे तो। प्लस में लेकिन ये है किल 20 एनिमी विद द पीपी विजन और MP5 के SMG एंड क्लासिक मोड। तो अगर मैं बात करूँ पीपी और MP5 के, इनकी स्पॉन रेट बहुत ज़्यादा कम है। जी हाँ, इनका स्पॉन रेट सबसे रेयरिटी में आता है इनका स्पॉन रेट, क्योंकि पीपी अगर नहीं चलाते लोग, मैं पीपी का बता दूँ, पीपी आप जीरो रिकॉल पे चलती है गोली। अगर आप नहीं समझ सकते, आपको एक बार टेस्ट करके देख, खुद टेस्ट करिए, अगर आप M4 का रिकॉल कंट्रोल कर पाएंगे तो पीपी का तो आप मतलब बादशाह बन जाएंगे। पीपी के अंदर तो बहुत ही इजीली कंट्रोल हो जाता है रिकॉल। जो लास्ट मिशन है वो है 30 एनिमी मारने AKM से एरिना के अंदर, ये भी बहुत सही। मतलब ईवो ग्राउंड के अंदर इस बार हमें दे रखे 3 मिशन, बाकी लैंड करने का हमें दे रखा है 1 मिशन जहाँ लैंड करना है। प्लस में थोड़ा एस रेटिंग वाला हिसाब है, ये थोड़ा लगेगा जो क्लासिक टू रश बहुत अच्छा खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैं वैसे नॉर्मल बंदों की बात करूँ तो सिर्फ आरपी मिशन के लिए खेलते हैं या स्किन्स के लिए खेलते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो कार्ड दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे मेरे पास कार्ड पड़े हुए हैं तो मैं कार्ड दे दूंगा, वो बेसिकली कोई वो नहीं, इशू नहीं है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, यहाँ पे मैं आपको बताया कि कौन कौन से वीक फोर मतलब देखो अब यहाँ पे देखा है लिखा हुआ है कि वीक फोर है, वीक फोर की मेरे पास आरपी खुलेगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वीक फाइव खुला हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ मैं वीक फाइव की सारी आरपी के मिशन है। सो गाइस आई होप ये वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर जाकर, उसको मिलता है अगली वीडियो के अंदर।